हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम जो लेसन करने जा रहे हैं वो है साइंस का लेसन नंबर 4। और नेम ऑफ द लेसन इज़ फेदर्स एंड मूवमेंट ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स के फेदर्स और किस तरह से वो मूव करते हैं उसके बारे में ये पूरा लेसन है। और ये लेसन का पहले ही एक्सप्लेनेशन हो चुका है और आपको डीपी सर ने बहुत ही अच्छी तरह से इसके बारे में समझाया होगा। ठीक है, तो आज हमको इसके क्वेश्चन आंसर्स वगैरह करने हैं, राइट? तो चलिए चलते हैं, करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। और जब पहला जो क्वेश्चन हमारे पास है वो है, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस यानी कम दूरी की कौन तय करता है? इट इज़ स्वालो। स्वालो जो है वो कम दूरी में उड़ते हैं, लंबी दूरी जो है वो तय नहीं कर सकते हैं, राइट? व्हाट हेल्प्स अ बर्ड टू चेंज इज डायरेक्शन ड्यूरिंग अ फ्लाइट? फ्लाइट में जब वो हवा में होता है, वो डायरेक्शन चेंज करने का काम किसके मदद से करता है? वो अपना टेल के मदद से करता है। तो टेल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बर्ड, ठीक है ना? टेल के मदद से ही वो अपना डायरेक्शन चेंज करता जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स के नॉट फ्लाई? ठीक है, इसमें ऑप्शंस है कीवी और ऑस्ट्रिच, और सी इज़ ए एंड बी। तो आप कीवी भी नहीं उड़ सकता और ऑस्ट्रिच भी नहीं उड़ सकता, दोनों ही नहीं उड़ सकते हैं। ऑस्ट्रिच क्योंकि बहुत बड़ा होता है, बहुत भारी होता है, तो वो उड़ नहीं सकता। कीवी ऑल्सो इज़ वेरी ऐसे बर्ड हैं जो उड़ नहीं सकता है। तो बोथ ए एंड बी, सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बोथ ए एंड बी, कीवी भी नहीं और ऑस्ट्रिच भी नहीं, इसका मतलब ये हुआ। विच आर द फॉलोइंग बर्ड स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर? वाटर के अंदर कौन सा बर्ड अपना काफ़ी समय स्पेंड करता है? इट इज़ डक। ठीक है, डक इज़ द बर्ड दैट स्पेंड्स मोस्ट ऑफ द टाइम इन द वाटर। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा है ट्रू और फॉल्स। या राइट ट्रू, आइदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, द स्टेटमेंट जो दिए है वो। डाउन फेदर्स कीप्स द बर्ड बॉडी वॉर्म। ट्रू, डाउन फेदर्स जो है वो बॉडी को जो है वो गर्म रखने का काम करता है। इट इज़ ट्रू। कीवी पेंगुइन एंड ऑस्ट्रिच हैव स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स। फॉल्स, कीवी पेंगुइन और ऑस्ट्रिच है ना वो उड़ ही नहीं सकते, तो स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स कहाँ से होंगे? नहीं होंगे, राइट? सो इट इज़ फॉल्स। एक्वाटिक बर्ड्स आर फाउल ग्लैंड्स। एक्वाटिक ग्लैंड्स हैव फाउल ग्लैंड्स। फॉल्स। एक्वाटिक प्लांट्स के पास क्या रहता है? वो उनके पास वेब्ड फीट रहता है, वेब्ड टूथ, फोटोस। ठीक है, ताकि वो अपने पानी में जो है वो आगे बढ़ सके, इसके लिए उनके पास वेब्ड टोस रहते हैं। फॉल ग्लैंड्स जो लिखा है दैट इज़ फॉल्स। द टेल हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई। फॉल्स। हेल्प्स द बर्ड टू फ्लाई कौन से हैं? वो आपके फेदर्स हेल्प करते हैं। टेल हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। अ बर्ड्स बोन्स एंड हॉलो एंड फिल्ड विथ एयर। ओके, अ बर्ड्स बोन्स आर हॉलो। हॉलो यानी एम्प्टी रहते हैं और फिल्ड विथ एयर, एयर भरा हुआ रहता है उसके अंदर। ठीक है, इट इज़ ट्रू। क्यों ट्रू है? क्योंकि बर्ड्स जो होते हैं वो हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम हवा में रहते हैं, उड़ना होता है, इसीलिए उनके जो बोन्स होते हैं वो बहुत ही लाइट होते हैं और उसके अंदर एयर भरा हुआ होता है, एंड दे आर हॉलो। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, वी हैव टू आंसर दिस। व्हाट आर फ्लाइट फेदर्स? फ्लाइट्स फेदर्स अटैच टू द विंग्स आर कॉल्ड फ्लाइट फेदर्स। फेदर्स अटैच टू द विंग्स। विंग्स के ऊपर जो फेदर्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं और उनको हम फ्लाइट फेदर्स कहते हैं। ओके, विच बर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फेदर्स? डाउन फेदर्स किस में ज़्यादा होते हैं? न्यू बॉर्न बर्ड हैज़ अ लॉट ऑफ डाउन फेदर्स। ठीक है ना, डाउन फेदर्स। ठीक है, डाउन फेदर्स के फेदर्स क्या होते हैं? वो बहुत ही छोटे, सॉफ्ट एंड फ्लफी होते हैं और वो बॉडी बॉडी के बहुत ही नज़दीक होते हैं। इस वजह से वो है ना, वो बॉडी को जो है गर्म रखने का काम करते हैं। तो इसलिए जो न्यू बॉर्न बर्ड होता है उसमें बहुत सारे डाउन फेदर्स होते हैं, ताकि न्यू बॉर्न जो बेबी जो होता है बर्ड का, तो उसको गर्म रखना बहुत ज़रूरी होता है। इस वजह से डाउन फेदर्स उसमें बहुत ज़्यादा होते हैं। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द बर्ड्स ऑफ प्रे? बर्ड्स ऑफ प्रे के फीचर्स क्या हैं? दे हैव वेरी शार्प आईज विच हेल्प देम टू सी दे प्रे ऑन द ग्राउंड। वेरी शार्प आईज होते हैं उनमें,
with help them to see their prey on the ground. What are the features of the birds of prey? Birds of prey यानी वो जो है ना, जैसे ईगल है, ईगल इज़ अ बर्ड ऑफ प्रे, राइट. उनके पास है ना बहुत ज़्यादा आई साइट, बहुत ही बहुत अच्छा होता है. बहुत दूर से जो है ना वो देख सकते हैं कि वो नीचे क्या है, ठीक है ना. तो वॉट इज़ अपस्ट्रोक? अपस्ट्रोक क्या होता है? अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ द विंग्स को हम अपस्ट्रोक कहते हैं. अपस्ट्रोक में क्या है, बर्ड जो है ऊपर उड़ता है. नेम टू फ्लाइटलेस बर्ड्स, किवी एंड पेंगुइन. ये इनके पास है ना वो फेदर्स तो होते हैं लेकिन वो उड़ नहीं सकते हैं, ठीक है. इसीलिए हम उनको फ्लाइटलेस बर्ड्स कहते हैं. वॉट आर एक्वेटिक बर्ड्स? सम बर्ड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर, पानी में जो अपना टाइम बिताते हैं उनको हम एक्वेटिक बर्ड्स करते हैं, आर कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड्स, ठीक है. तो सम बर्ड्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक बर्ड्स, ठीक है ना. ठीक है, दैट्स इट. ये बहुत ही छोटा आपका लेसन था, है ना. तो यहीं पे ये पूरा ख़त्म होता है. और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सब कुछ. और ये आपके लेसन में आपको क्वेश्चन आंसर्स पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे और आपको लिखना है, राइट. अगर कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो ग्रुप में. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. हम अगले लेक्चर में मिलेंगे. थैंक यू, बाय बाय.